ओम प्रकाश राजभर के अकेले फौजो तुम्हारे 50 क्विंटल का भी बुलडोजर हटावा कह दिया था मैंने के महंगाई के लिए इनका मोदी पीने बजाने दिन गंगा माई का पानी हो जाए तो उनका लीवर खराब हो जाए। ये बंगाल में अगर केला हो गए तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो गए। भारतीय जनता पार्टी के जितना बड़का नेता हुन सब अपने अपने बेटा के शादी अपने बेटी के शादी मुसलमान के बेटा से कह के दामाद बनौले हुए मिया भाई के न सोचे मन बात तो गाड़ी में अफीम चलस गाजा रख के चलन करवा दे। हम तो कहला दुनिया में नंबर एक का झूठा अगर झूठ बोलने वाला कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। चाय बेचत बेचत देशवय बेची दे तो उसे कह दिया कि प्रधानमंत्री हिंदू गृह मंत्री हिंदू रक्षा मंत्री हिंदू मुख्यमंत्री हिंदू तब तो उन्होंने बेशरम पता ना लगा था कि हिंदू खतरे में है। बात कहो हमरो बाबू धाना गोरल हम बेरे कहूं वोट दे करण नहीं में कहे देवा पड़ी तो भाजपा गई हमके जब तक कह दे तब गई। इस सोचत रहे कि कोई बोली ना लेकिन आपको बता दूं अभी तक अकेले अखिलेश यादव जी बोल रहे थे बगल में अब ओम प्रकाश राजभर खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी का जवान पकड़ लूंगा। इनकी हिम्मत और कहता थे आओ बहस करो तुम कहते हो जाम जाम बड़ा खतरनाक है जानते हो हम पढ़ले पैसा देखे सामा देखे नहीं। अभी अखिलेश जी बताओ ना जाम को परिभाषा बताओ ना बहुत बढ़िया बताओ ना ज से झूठ बोला भारतीय जनता पार्टी झूठ बोला था कि ना बोला था इन्होंने कह रहे हैं कि 15-15 लाख दे खाली वोट देगा। 7 साल बीत गए एको रुपया मिलल और इन्होंने कह रहे कि घबरा मत 2 करोड़ नौकरी हर साल दे नौजवानों परेशान ना हो और 12 करोड़ नौकरी लूट लेलन हमें ई और ऐसे अहंकार रावण के अहंकार भयल रहल तो रामचंद्र जी रावण का अहंकार तोड़ दिए और माँ से महंगाई बोला महंगाई हो कि नहीं है कितना जने महंगाई से परेशान है ना तो बताओ महंगाई के लिए इल बा महंगाई के लिए जोर से बोला हम बोला तब बोला महंगाई के लिए इनका मोदी ये अगर बनारस में कहा गंगा माई बोलौले है कि गंगा माई बोलौले है और गंगा माई के साफ करा आई हूँ मनी बिजलरी का पानी का करा पिए तो नहीं गंगा जी का कहे ना पीते तो नहीं पीने बजाने दिन गंगा माई का पानी हो जाए तो उन्हें का लीवर खराब हो जाए। ये हम आने का पढ़ावा तुम्हें पाठ 16 दुनी 8 घबरा मत केदवा दोस्ती कहले आईला ऐसे आदमी से कहले आईला कि हमारे प्रजापति पीछे रही है नाई गोण कुम्हार लोहार अहिरगढ़ेरी कुंडी कोली भर चमार मुसर धोली खटी तासी जितना कमजोर जाति बा ये पीछे रही विधवा पारी आगे कर बाहर ये आगे रही है भिड़ान हो रही पीछे समझ हथियार थमावल जाए का दिक्कत बा अब देखा काल हो उमची उमचा काल हमारा मन बनौले है कि आप अगर हिम्मत होता अरे तू रख ले 10 क्विंटल का बुलडोजर ओम प्रकाश राजभर के अकेले फौजो तुम्हारे 50 क्विंटल का भी बुलडोजर हटावा कह दिया था मैंने के तुहरा बोले रूखा तो ही रोटी खा ला गेहूं के हम हनो गेहूं का रोटी खाई ला खिलवाड़ ना है चला आवा कान फरियाई हो ही आई हम तो कहा था हम बनारस में खड़ा है ये अजगरा में है। बोला भाजपा जीती का नहीं पटक के चढ़ बैठे छाती का हाथ टूट गई ना नहीं का नहीं थी बगलिया में शिवपुर है ये जीती हन का नहीं ले चली तो पिंडरा एना पटक के हम चढ़ बैठे एकदम हाथ टूट जाये कौ न बची वही हमार घर है बगल में चले सेवापुर रोहनिया इनका औकात नापते हम इस सोचा तो कोई ना बोली
अरे हैं योगी मोदी अमित शाह ओम प्रकाश राजभर हुए हैं, तू सब गुजराती हुए गुजरात से आके बिजनेस करो तुम तो हर बिजनेस ओम प्रकाश राजभर खत्म कर दे। अब 22 में देख लेना, 22 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर तब ओम प्रकाश राजभर मानेगा। अब नहीं तो लोगन के लगत रहा कि का करी, अरे हम बनारस के रहे वाला है, बनारस का लोग जानत होगा। पहले वहां हमारे बिरादर ने जे माल रख रहे भीतर घरे में तो खटिया ना के दुआरे सुतते तो पिछवाड़े से दुआर खोल दे बोला सही है गलत था। वो बिरादरी कहा महिला तू हो चुका घरे में पिछवा से दरवाजा खोल के कोई ऑटो में निकाल ले तो पता नहीं लगे। ये हमारे के ट्रेनिंग बा, यही बदले हमारे साथ साथ कहा थे ना कि आज यहाँ प्रजापति भाई आप लोग आये होगा, आप बतावा इन्होंने जाना दुआ का कहलन इन्होंने श्रम सम्मान योजना अब तो हाँ चक्की गई है पत्थर का चाक डंडा गई है कि काली माटी का बर्तन बनावा। रेमचंद प्रजापति ने खाना है, भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी ने खाना है कि संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो एक समान शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू करके हम लोग मानेंगे। स्नातकोत्तर तक, स्नातकोत्तर तक कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री में बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू करके दिखाएंगे। ये कानून बनाने की तैयारी में है। तब बोला ये कानून बने के चाहिए कि न बने के चाहिए, चाहिए। चाहता कि बने के चाहिए, बने के चाहिए ना। और देखा ऊपर वाले न करे कोई बीमार, लेकिन यदि कोई गरीब बीमार हो तो माननीय अखिलेश यादव जी से पहले है कि देखा भाई 24 करोड़ आबादी हो और ये 24 करोड़ आबादी में कोई गरीब अगर बीमार हुई चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में जितना रुपया लगेगा सरकार देगी और गरीब का इलाज अब फ्री में होगा, एक रुपया नहीं लगने दिया जाएगा। बोला सही रही कि ना सही रही, सही रही। इतना जने के सही रही, सही रही ना। आपने कहा भाजपा कुल चलल हम अब खाली थोड़ी सा हम खाली कर मऊली रहने की इतने मऊ में छोट कर मीटिंग भाई तक कुल घूमत हमन अब का हुई। अरे घबरो मत, अब वही तो हमार फौज इंतजार करा था तो नहीं कर भाजपा के लोगों कान खोल के सुन लो। अभी बंगाल में नारा लगा रहा कि खेला हो गए अब यहाँ का होगा हमारे गैस सिलेंडर वह 400 से बढ़ा के कितना भाई 1000 सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के कुल ले गई 200 कैलन और पेट्रोल 60 रुपया से 100 पार डीजल ले गई 55 से ले गई 97 तीनियर रन बाकी का। यही बदे हम कहते अगर राती के हमने का जवन है अन्ना पशु अगर धान चरत हुआ मटर बोआए जाता अगर अन्ना पशु चरत हुआ तो बोला डंडा से केदल जला कि हाथे से डंडा, बोला कठुआ से केदल डंडा से। तब ओम प्रकाश राजभर का नारा बा कि बंगाल में अगर खेला हो गए तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो गए। चल बेटा कौने गांव में चलता तो रहने बोर्ड लगवा दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आना सख्त मना है, इसके बाद भी अगर प्रवेश करेगा ये सोच लेना कि फिर गुजारा ना हो भी। बोला हो के चाहिए कि ना हो के चाहिए, हमने हमने का सोचा तो ना कि बोली है ना मोदी जी यही है मोदी जी कवन तो फमन ईटा के हाथ जोड़े कर घूम घूम के हमने के पढ़ावा हिंदू मुसलमान ई कहा हिंदू मुसलमान हम का थिला भारतीय जनता पार्टी के जितना बड़का नेता हमन सब अपने अपने बेटा के शादी अपने बेटी के शादी मुसलमान के बेटा से कह के दामाद बनौले हुआ मियाँ भाई के
दामाद बनाते हो, हमको लड़ाते हो हिंदू मुसलमान में, आओ चैलेंज देता हूं तुझे। कहते हो कि जब हम महंगाई की बात करते हैं तो पाकिस्तान, हम अगर आपसे बात करते हैं शिक्षा की तो आप कहते हो कि आप देशद्रोही हो। घबराओ नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर है, आपको बताऊंगा, अभी तो शुरुआत किया हूं, इतना खाली ऐसा हमने आगल है। यहां अगर हम लोग मोर्चा के अगर सूचना हो तो मैदान में जगह ना मिलत की मिलत ना मिलत, लेकिन हम मन बनौले कि 27 तारीख के आपके बताई जाए के कोई के ना, समझ ला, यहाँ से कोई के जाए के ना हा। जो आपके लखीमपुर खीरी लखनऊ उन्नाव और हरदोई सीतापुर, इतना जिला का खाली हमार बिरादर जुटी हन, इतना जिला का खाली हमार बिरादर जुटी हन, और बाद वही में जुटाई प्रजापति के पाल की, वही में जुटाई बंजारा के बहेलिया के यारक के अर्धवंशी के खनार के, वही जुटाई कश्यप के बिंद के निषाद के मल्लाह के, इतने लोगों के जुटाई, और समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ की भाई तय का थी। माननीय पूर्व मंत्री जी वीरेंद्र सिंह जी हैं बड़े भाई, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे इनका बहुत पुराना संबंध है, आप लोग सोचे थे कि सपा में आल हुआ सब जाने तुरंत, हम लोग बहुत पहले से जाने। अभी देखा हमारे भैया माननीय शंखलाल मांझी जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे भाई सुरेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, हमारा इनका संबंध, इनके भट्टा पर बहुत राजभर काम करते हैं। आज जब हम पहली रैली कही तो इनके भट्टा पर कुल कहा कि मालिक साहब हमने क्या अपन ट्रैक्टर दे दे, एक आना कहा कर तो नहीं, अरे कहा हमने क्या पार्टी का रैली है ना हो, हाँ तू लोग का कौन पार्टी, अरे कहे चला देख ल, अब इनका जबरी कुल ट्रैक्टर लेना तेल लेना कुल चार पे चलिए दहली में। तभी हमके फोन करना कि कहो नेताजी कत्तो रैली हो का तोहार, हमके बनरसा में हो वही कटिंग में रैली हो, अरे कहा यहाँ कुल हमसे पैसा लेना गाड़ी लेना करे बादो गाड़ी मंगोल, अरे कुल आयल कहाँ से बान, हम पूछल कहाँ का हुआ, अरे कहे उधर गाजीपुर बलिया से बेचारे गरीब हुमन आयल हमारे काम कर लो। हमके सब सोच ला कि भट्टा पर भी लट्ठा चल रहा था, तो कहते भाई तो हम नहीं समझ पाओ थी कि होत का हम अंदर। हमारे भाई पूर्व सांसद हमारे पड़ोसी, अभी इनको फोन किए सवेरे कथवा मूर्ति हमारे घर है, इनके ही ना पता है कि वो दारे के बगल ये हमरो घर है, हम फतेहपुर कटौने का है, इनके बताए कि मूर्ति चमरू गानर भाई भानपुर उदार कहा बस बस लगला है, हम यही कही बनरसे कही, हम तो कहिला दुनिया के जितना भी दुखी लोग बनारस आवलन अपन भूत परे चुड़ैन डाइन भरम लेके, हम तो घूम घूम के चारों तरफ कहला कि तुमने हम मैं देगा, जितना भूत परे चुड़ैन डाइन भरम हो हम मैं देगा, हम बनारस के 50 बोचन में लेके दबा कोई मार नहीं वो कोई याद न मरी तो गंगा जी में बोर दे मर जाए, लेकिन तू लोग भूत परे चुड़ैन डाइन से परेशान मत हुआ। एकरे बदे अभी एक दिन हम गेली मुख्तार अंसारी जी से मिले, बीजेपी का फाटा लगा चिल्लाए लगल हमार गाड़ी चेक करा लगल, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ये जान जा इन्हने एकदम परेशान है, अब इन्हने का करत हुआ, अब धमकावत हुआ कि तुहा जान से मार दे, हमके ता का मर गए जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल नमा का हो सके भैरी जग सारा हुआ, और का कहो छोन बात मन की तुहा जोन तोन ना सोचे मन बात, तोरे गाड़ी में अफीम चलस गाजा रख के चलन करवा दे, नहीं हमारे संगे आ जा ना मन बात, हमने शूटर बुला के हत्या करवा दे। अच्छा बता भाई लड़ाई हम सही लड़ा थे लगी गलत, इतना जने के सही हो जरा हाथ उठावा इन्होंने धमकावत कहे के हम इन्होंने डरवावत हूं, लेकिन इन्होंने कहीं पता ना है कि हम महाराजा सुहेल देव जी का वंशज हैं, तोरे धमकी से कि ओम प्रकाश की हत्या करवा दूंगा नोट कर लेना, एक ओम प्रकाश राजभर नहीं करोड़ों ओम प्रकाश राजभर पूरे देश में पैदा कर दिया हूं, ये सोच लेना, और तुम अपनी जिंदगी के ख्याल रखना भारतीय जनता पार्टी के लोगों,
ये सोच लेना सिख रेजिमेंट स्वर्ण मंदिर में एक छोटी सी घटना हुई, पूरे देश का सिख इकट्ठा होकर के पूरे देश की सरकार को चुनौती दे दिया। अंत में क्या हुआ, वही सिख रेजिमेंट के लोगों ने साजिश किया और इंदिरा जी की भी हत्या हो गई कि नहीं हो गई, कौन मारा, वही जिनके जंग छेड़ा था कई भर भर, ये समझ लो तू लोग के ये भाजपा ही सोचत रहा कि कोई ना बोली, अरे वो बोले ओम प्रकाश राजभर हमन चलाया वा हम तो बनारस में खोजा था तो हनुमन के बहुत मोदी मोदी चिल्ला तुम ना आवे जा बेटा, अब ही हमने तारीख तय करे थे बनारस में हमने का शामिल बाजा बजी ज्यादा ना जुटाई 5 लाख खाली जुटाई 5 लाख जुटाऊंगा, ये परमिशन ना दे यहाँ तो हमने कुछ ना करल जाये, गाड़ी से उतर जाये भोजूबीर अर्दली पालेपुर आशापुर इतना उतर जाए पैदल है चल जाये खाली गंगा जी और उधर से घूम मत ऐसा सहारा शहर मैदा की लौरा बीर गोदौलिया घूमल जाये पूछी कहाँ जा तुरा कर पता है नहीं। तो साथी देखा हमार बात बहुत साफ सुथरा है, देखा भैया हमरे सुजीत यादव जी जो जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, खड़ा हो जा भैया जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करिए, भैया आपका बहुत कमजोर मत समझिया, ये हमारे का जो फौज हो ना थोड़ा राशन पता ही कम मिल रहा है, लेकिन इन्हें जो दिन सरकार बनल जो दिन ना तो वही दिन शुरू हो जायी ए बदे ये दिन में हम पूछली कि ओ भैया ये बतावा कितना जने जौन तौन मीटिंग रहा, हम पूछली कम से कम 10,000 लोगों के बीच में कि के टमाटर खेले हो आज के एक महीना पहले, तब कुल मिला के मुश्किल से 100 आदमी हाथ उठाना, हम कल ही महंगाई का देन आई मोदी जी कुल कहना कि मोदी जी बहुत सही आदमी हुए, हम तो कहला दुनिया में नंबर एक का झूठा अगर झूठ बोलने वाला कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है, मोदी जी यही बनारस में भाषण दे रहे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा, चाय बेचत बेचत समय बेची दे रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया और क्या कहा, अरे गरीबों हवाई चप्पल पर चलने वाले लोगों तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजी बेची दे अब कहा उड़ी है नहीं, इस वजह में कोई ना जाना था, अरे ओम प्रकाश राजभर हमन रोज तो हम पढ़ा कहला कहाँ हुआ तुम कहा करत हुआ, यही बोले हम घूमत थे आज से हिया से गईले के बाद हमने के कहा प्रचार करे के हो कि भैया देखा पूछिए कि मीटिंग में का अलग काम मिलल उनसे कहा दिया कि जे हमने के मोर्चा के वोट दे अजय न दे वह को माफ कर वो को बता दिया कि देखा तो नाने हरानी हुआ सर हमने वोट न देव तब तो माफ कर कम से कम उसे कहा तो घरवा में जो भीतरा बा वो कही कि नहीं नहीं सही बा, अब हमने का प्रचार हुई घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे हमको आपको अपने रिश्तेदार अपने पड़ोसी पंडाल को समझाना है कि 22 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो घरेलू बिजली का बिल माफ होगा, 5 साल लगातार 1 भी रुपया बिल नहीं देना पड़ेगा, ये प्रचार करना, तो बोला प्रचार हुई कि न हुई, प्रचार हुई। दूसरा काम क्या करे के बाद गरीबों का इलाज फ्री में, एक समान शिक्षा अनिवार्य शिक्षा और महंगाई, सरकार बनते ही आप देख लेना साथी सरकार बनते बनते महंगाई पे हम लोग काबू करने के लिए पूरी ताकत लगा के आपको राहत देने का काम करेंगे हम लोग, और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी अगर कही कि भगवान खतरे में हुए हिंदू खतरे में हो तो उनसे कह दिया कि तू नहीं खतरा में हुए भगवान के कोनो खतरा, बोला भगवान के खतरा हो कौन, हिंदू के अगर खतरा है ये इन्होंने अगर कहा हिंदू खतरे में हो तो उसे कह दिया कि प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तब तो नहीं बेसरम पता ना लगा था कि हिंदू खतरे में है, क्या बोला हुआ तुमने, तो हिंदू खतरे में ना बा, खतरे में भारतीय जनता पार्टी का कुर्सी बा,
और 2022 में योगी जी को सत्ता से उतारकर गोरखपुर पहुंचाऊंगा और अखिलेश जी को उस कुर्सी पर बैठा करके उम्र का साथ मानेगा। बोला आप हमारे सामने नारा लगावा देता हम बोला तब हम बोलेंगे कि अब की बार तैयार बोलेंगे फ्री बिजली बिल माफी वाली सरकार ये जहां बैठा लो वही खड़ा हो जा ये जहां बैठा लो वही खड़ा हो जा हमारे कहीं हाथ ऊपर करा से देखा ये हाथ ऊपर ना करी ये मुनारी का दरिंदर वही के घरे जाई कहा से हम बोलेंगे अब की बार तैयार बोलेंगे फ्री बिजली बिल माफी वाली सरकार अब की बार नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।